हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद वाई। और आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर एडवर्टाइजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। हम देखते हैं कि चारों तरफ हम एडवर्टाइजमेंट से घिरे हुए हैं। अगर हम टीवी खोलते हैं, करेक्ट, तो हर थोड़ी सी समय के बाद उसमें एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। यूट्यूब खोलें तो उसमें एडवर्टाइजमेंट आता है हर जगह। ओके, गूगल और न्यूज़पेपर में भी, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, हर जगह एडवर्टाइजमेंट भरा पड़ा है। आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या है एडवर्टाइजमेंट का? ओके, हम क्या ये एडवर्टाइजमेंट क्यों आते हैं, क्या करवाना चाहते हैं वो हमसे, तो जानेंगे इस वीडियो में। देखो, एडवर्टाइजमेंट का मेन उद्देश्य है परजुएशन। परजुएशन, परजुएशन क्या है, मैंने एक वीडियो में सेपरेटली डिस्कस किया था। करेक्ट, तो परजुएशन बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि किसी के भी कृत्यों को, किसी के भी विचारों को, करेक्ट, कॉग्निटिव बेसिस पर चेंज करने की कोशिश करना चाहते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके। ओके, चेंज करना चाहते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि जैसे मैक बर्गर, ओके, तो मैकडोनाल्ड का वो दिखाते हैं कि देखो इतनी सारी चीजें दिख रही हैं, वो केवल नाइन, इतनी सारी चीजें हैं। जब तुम लेने जाओगे तो हो सकता है कि ये ऐसा बर्गर ना हो, लेकिन फोटो में जो पिक्चर पोर्ट्रे हो रहा है, ओके, दिख रहा है, ओके, वो ऐसा लगता है ओ माय गॉड, इतनी सारी। ये तुमको बेसिकली अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परजुएशन के थ्रू तुम्हारे बिहेवियर को, अपनी सेल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब देखो इसमें एक बेहतरीन, ये एड मुझे बहुत ही बेहतरीन लगता है, आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल का। ओके, अब ये एड क्या करता है, इस एड का मेन मेन मकसद है कि अपने प्रोडक्ट को बेचना। करें, आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल लाइफ है, वो क्या करना चाहता है, वो अपना चाहता है कि उसके ज्यादा से ज्यादा लोग जो इसका लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, इसको ले। ओके, जिससे उसकी सेल बढ़े और उसके पास रेवेन्यू जनरेट हो। अब इसको कैसे लोगों तक पहुंचाएं, क्या करना चाहिए, तो उनका मेन मकसद, तो उन्होंने क्या किया है, इसको इमोशन से जोड़ दिया है। अब इसमें इसका अगर आप वन एड देखते हैं टीवी में, तो क्या होता है कि ये एक पुरुष है, ओके, वो कहीं पर बैठा हुआ है। अब उसकी जो वाइफ है वो एकदम सो के उठती है, देखती है कि अरे मेरा हस्बैंड कहाँ है, हस्बैंड कहाँ है, इस कमरे में देखती है नहीं है, उस कमरे में देखती है नहीं है, सब जगह देख लेती है नहीं है, कि अरे क्या हो गया, कहाँ गए। ओके, और थोड़ी देर बाद देखा कि अरे वो वहां पर बहुत समय से पता नहीं क्या देख रही है, और वो एकदम भाग के जाती है कि अरे इनको कोई कुछ हो तो नहीं गया। ओके, और जैसे ही वो वहां पहुंचती है और हाथ रखती है, तो हस्बैंड बोलता है कि अरे क्या हुआ, और ये जब तक उसको देख के कह रही जिंदा है, और रोना शुरू, इसके आंसू बहने लगे। उधर से ही बैकग्राउंड में एक आवाज आती है कि ये आपके साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ओके, लिए ले ले लीजिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, जिससे आपका जीवन हमेशा सुकून में रहेगा। अब बस उसके बाद क्या है, महिलाएं बोलेंगी कि अरे मुझे प्यार नहीं करते हो, इंश्योरेंस लो। करे, जैसे ही एनिवर्सरी आई, कि अरे मुझे प्यार करते हो तो इंश्योरेंस ले लो। करे, कैसा प्यार है, जो कि मतलब तुम मर जाओगे तो उसके बाद कैसा मुझे मिल जाएगा, लेकिन यही है। ओके, तो अब यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये क्या करना चाह रहे हैं, ये बेसिकली परजुएड करना चाह रहे हैं तुमको। ओके, मार के नहीं, पीट के नहीं, केवल तुम्हारे दिमाग को साइकोलॉजिकली तुमको चेंज करना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली एडवर्टाइजमेंट की अवधारणा है। ओके, तो एडवर्टाइजमेंट हमेशा क्या करता है, लोगों को एंटाइस करता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। ओके, किस चीज के लिए, जो चीज वो बेचना चाहती हैं, सेल के लिए, या किसी चीज में बुलाना चाहती हैं। करे, कहीं भी तुम जैसे रास्ते में जा रहे हो, एडवर्टाइजमेंट देखा, अरे ये कचौड़ी का एडवर्टाइजमेंट, आओ तुम्हारी उंगलियां पतली हो जाएंगी। इसका मतलब इतनी टेस्टी है वो कि भाई उंगलियां चाट चाट के रह जाओगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है बेसिकली परसुएड करना लोगों को, ओके, जिससे कि वो अट्रैक्ट हो सके उस प्रोडक्ट के प्रति जो वो बेचना चाहती है। होप इस वीडियो के थ्रू एक कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर हुआ हो कि आखिर एडवर्टाइजमेंट का क्या मेन पर्पज है। ओके, धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में, जानने के लिए अच्छी अच्छी बात है। थैंक यू।